नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 110वीं शिक्षुता परीक्षा के दूसरे राउंड की सारी एक्टिविटीज़ अब बंद हो चुकी हैं, और दोस्तों इसके साथ साथ 110वीं शिक्षुता परीक्षा के पहले राउंड का रिजल्ट भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच विभाग द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है 110वीं शिक्षुता परीक्षा के पहले राउंड को लेकर। दोस्तों, इसमें ही है बताया गया है कि जिन कैंडिडेट्स के प्रैक्टिकल के मार्क्स पोर्टल पर अभी तक नहीं चढ़े हैं, तो उनके लिए विभाग द्वारा 2 दिन का समय और दे दिया गया है। तो दोस्तों, पूरी डिटेल के लिए बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस वेबसाइट के नीचे नोटिफिकेशन में देख रहे हैं कि इसमें विभाग द्वारा एक नोटिस डाला गया है, लिस्ट ऑफ अप्रेंटिसेज रजिस्टर्ड इन 110 ATS AITT वेयर प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट अवेलेबल इन पोर्टल इज अपलोडेड इन न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन। ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स आर एडवाइज टू अपलोड दीज मार्क्स इमीडिएटली सो दैट देयर रिजल्ट कैन बी डिक्लेयर्ड। इन्हें दोस्तों विभाग द्वारा उन कैंडिडेट्स की सूची इस वेबसाइट पर डाल दी गई है जिनके प्रैक्टिकल के मार्क्स अभी तक अपलोड नहीं हो पाए थे, और दोस्तों विभाग द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स को इन्हें अपलोड करने के लिए भी बोला गया है, ताकि इन कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी किया जा सके। तो दोस्तों, यदि आपको भी अपना नाम इस सूची में देखना है तो आप यहां पर बहुत ही आसान तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन में, और दोस्तों यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ हूज प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट अपलोडेड इन पोर्टल 110 AITT आपको यहां से अपने लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, यदि आपके फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो आप इस फाइल को बड़े आराम से खोल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास उन कैंडिडेट्स की सूची डाउनलोड हो चुकी है जिनके प्रैक्टिकल के मार्क्स पोर्टल पर अभी तक नहीं चढ़ पाए हैं। दोस्तों, ये सभी कैंडिडेट 110वीं शिक्षुता परीक्षा के पहले राउंड के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि 110वीं शिक्षुता परीक्षा के दूसरे राउंड के कैंडिडेट्स का अभी एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस सूची में आपका नाम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्टेट वाइज अलग अलग कैंडिडेट्स की सूची दी गई है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स दिए गए हैं, और दोस्तों यहाँ पर स्टेट के साथ साथ जिले वाइज कैंडिडेट्स की सूची दी गई है। तो दोस्तों, यहां से आप आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार आपकी डिटेल सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपके फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होना ज़रूरी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां सर्च के ऑप्शन में जाना है और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर किया है, तो सूची में वहीं से ये ऐप उसको सर्च कर देगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस सूची में चेक कर सकते हैं, और यदि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स पोर्टल पर अभी तक नहीं चढ़े हैं तो आप डिपार्टमेंट से बात करके इन्हें तुरंत अपलोड करवा लें, क्योंकि दोस्तों इस कार्य के बगैर आपको रिजल्ट में फेल घोषित कर दिया जाएगा, और दोस्तों आपको प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उसी में फेल घोषित किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक दूसरी अपडेट है, IBM पोर्टल ऑफिसर इंचार्ज अपडेट। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी स्टेट वाइज अलग अलग ऑफिस इंचार्ज को बना दिया गया है आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। यानी दोस्तों, स्टेट वाइज अलग अलग ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। यदि आपकी पोर्टल से संबंधित किसी भी तरह की एरर है तो आप इन ऑफिसर्स से संपर्क करके अपनी समस्याएँ दूर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टेट्स एलोकेटेड IBM पोर्टल टू द ऑफिसर्स एट DGT हेडक्वार्टर अप्रेंटशिप सेक्शन। दोस्तों, DGT हेडक्वार्टर का जो अप्रेंटशिप सेक्शन है, उनमें ऑफिसर्स को अलग अलग स्टेट अलॉट कर दी गई हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 17 तक, यहां पर जो ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे वो रहेंगे अजय एस भगत, ये डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ पर। दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे सीरियल नंबर 18 से सीरियल नंबर 30 तक,
सतीश कुमार डिप्टी डायरेक्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है। और दोस्तों उसके पश्चात सीरियल नंबर 31 से सीरियल नंबर 36 तक जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए अरुण गुप्ता असिस्टेंट डायरेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। तो दोस्तों यदि आप इन स्टेट्स में से कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप इस सूची के अनुसार जो संबंधित ऑफिसर हैं उनको मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अजय एस भगत जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनकी मेल है ajay.bhagat68@gov.in। और दोस्तों सतीश कुमार डिप्टी डायरेक्टर की मेल आईडी है satish.kumar71@nic.in। और दोस्तों अरुण कुमार गुप्ता असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इनकी जो मेल आईडी है arun.gupta93@dgt.gov.in। तो दोस्तों आप अपनी अपनी समस्याओं के लिए इन स्टेट वाइज ऑफिसर्स की जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं उनको मेल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों फिर भी आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी अप्रेंटिसशिप के पोर्टल से संबंधित कुछ क्वेरीज दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।